तो क्या कहती है लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड, कौन होगा घर से बेघर? कल है वीकेंड की वार का शूट, कल काफी ज्यादा क्लास भी लगेगी और ये देखना है कि एलिमिनेशन का क्या हाल होगा। फिलहाल अगर वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे तो किसके एलिमिनेशन के हाई चांसेस लग रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। तो नंबर वन की पोजिशन पर अंकिता लोखंडे, नंबर दो की पोजिशन पर आयशा खान है, और बॉटम टू की अगर बात करेंगे तो ईशा और विक्की है। इन दोनों के अगर वोटिंग के हिसाब से देखोगे तो जाने के हाई चांसेस है, लेकिन मेकर्स कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर चाहेंगे कि इनसे पहले आयशा जाए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयशा को अभी नहीं निकाला जाएगा। ये हो सकता है कि ये जो एलिमिनेशन वाली चीजें है ना, वो आफ्टर वीकेंड के वार के बाद कर सकते हैं, क्योंकि कल वीकेंड के वार का शूट होगा और परसों जो है ना बिग बॉस के घर में मीडिया मेंबर्स आने वाले हैं जो कि इंटरव्यूज करेंगे, सवाल पूछेंगे, और उस टाइम पर ऑफकोर्स उसी चीज के लिए अभी तक के आयशा को बिग बॉस के घर में रोका गया है। बाकी और क्या काम था, क्या उनको फिनाले में ले जाके ट्रॉफी देनी थी? नहीं, यहाँ पर मीडिया इंट्रैक्शन जो होगा ना उसमें यहाँ पर और भी ज्यादा जब सवाल है वो खुल करके मीडिया पूछेगी, क्योंकि अभी तक के जिस तरीके से मीडिया वन टू वन पूछती है ना वैसी वाली चीजें नहीं हुई हैं। सिर्फ इन्होंने एक पॉडकास्ट किया है और उस टाइप के इंटरव्यूज दिए हैं जिसमें इनकी वीडियोस नहीं है। अब यहाँ पर ये आकर के जो है ना इंटरव्यू इनका होगा, बाकायदा सवाल पूछे जाएंगे, फिर ये मुनावर को गिराएंगी, तो वो सारी चीजें ऑफकोर्स यहाँ पर मेकर्स को तो चाहिए चाहिए, इसीलिए अभी तक के रोक करके रखा है। अब रही बात एलिमिनेशन की, तो यहाँ पर जो है टॉप थ्री तो देखिए कहीं ना कहीं कंफर्म है, टॉप फोर भी कंफर्म है, बस एक वो पर्सन है जो कि फिनाले में टॉप फाइव में जाएगा। मुनावर फारूकी कंफर्म है, अंकिता कंफर्म है, अभिषेक कंफर्म है, मनारा कंफर्म है, ये टॉप फोर कंफर्म है। अगर टॉप फाइव की रही बात, या तो विक्की या तो ईशा, इन दोनों में से कोई एक कंटेस्टेंट जा सकता है। ये भी हो सकता है कि अरुण को भी ये ले जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उसको आगे जाने का मौका मिला, या फिर फिनाले वीक में अरुण को निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हाई जो चांसेस हैं वो कहीं ना कहीं विक्की के हैं, इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि विक्की को ले जाएंगे, लेट्स सी, देखना होगा। लेकिन अगर विक्की को नहीं ले जाना होगा ना, तो फिर ये लोग एलिमिनेशन जो है ना विक्की का कल के वीकेंड के बारे में कर देंगे। वोटों के हिसाब से भी उनका एलिमिनेशन हो रहा है, उनको कोई खासा वोट नहीं आ रहे। अगर अंकिता एक बार यहां पर नॉमिनेट नहीं हुई होती ना, तो फिर यहां पर इनको वोट आ जाते अच्छे खासे, लेकिन यहां पर अंकिता भी नॉमिनेट, विक्की भी नॉमिनेट, तो अगर इस स्ट्रेटजी को पूरा देखा जाए ना, तो फिर मेकर्स एलिमिनेशन सिर्फ दो ही राहों में करेंगे। अगर विक्की को टॉप फाइव में नहीं लेकर के जाना है, ईशा टॉप फाइव में जा रही है, तो फिर विक्की का एलिमिनेशन हो जाएगा कल के वीकेंड के बारे में। अगर कल विक्की टिक गया तो विक्की टॉप फाइव में जा रहा है, फिर ईशा जो है ना टॉप फाइव में नहीं जा रही है। रही बात आयशा की, मीडिया का इंट्रैक्शन के बाद आयशा का भी बिग बॉस के घर से सफर खत्म हो जाएगा। क्या कहना है आपका, कॉमेंट करके जरूर बताए। थैंक यू।